वाला किया था लास्ट, कौन सा वाला? अच्छा सर आप वो सैक ऑफ राइस के एग्जांपल से समझा रहे थे। हाँ ठीक है, तो हम लोगों ने वो टेबल जो है कंप्लीट किया था क्या, मोलर मास वाला? सर कर लिया था, कर लिया था सर। हाँ, तो इसके अंदर हम लोग के पास में जो भी कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम और आयरन था, तो इसके अंदर हमारे पास में क्या था, आरएम था। तो ऊपर का नंबर जो है वो आरएम बन जाएगा, इसके अंदर हमारे पास एटॉमिक मास था, तो यही नंबर जो है वो एएमयू में मास बन जाएगा, और इसके अंदर हमारे पास में मोलर मास था। सबको शायद याद होगा, यही नंबर हमारे लिए क्या होगा, मोलर मास बन जाएगा, इन ग्राम्स में, ग्राम्स में मोलर मास बन जाएगा, इतना सबको याद है। ठीक है, और मैं एग्जांपल फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो कि सपोज सपोज मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं कि अच्छा, इस जो पूरे चैप्टर में सुनो, यहां से तुम्हें नोट्स में लिखना शुरू करना है, ठीक है। इन इन दिस एंटायर चैप्टर एक ही तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं। देखो, इन दिस एंटायर चैप्टर जो प्रॉब्लम्स बनते हैं वो एक्चुअली किस टाइप के बनते हैं, कि या तो तुम्हें मास से नंबर में कन्वर्ट करना होता है, या तुम्हें नंबर से मास में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, बस ये दो तरह के सवाल बनते हैं। तो तुम्हें अगर कभी किसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, कभी कुछ इंग्लिश समझ में नहीं आई, कभी कभी तुम्हें प्रॉब्लम स्ट्राइक नहीं किया कि तुम्हें कैसे प्रोसीड करना है, तो इन सब का देखो एक्चुअली एक इलाज है। तुम ये चीज नोटिस किया करो अपने प्रॉब्लम के अंदर कि गिवन क्या है। अगर तुम्हें, ठीक है, अगर तुम्हें मास गिवन है, देखो अगर तुम्हें मास गिवन है, ठीक है, तो फाइंड क्या करना होगा पता है? ऑब्वियसली क्या फाइंड करना होगा, अगर गिवन मास है तो फाइंड तुम्हें नंबर करना होगा, और अगर गिवन नंबर है तो फाइंड तुम्हें मास करना होगा। ये चैप्टर इसी बेसिस पे बना हुआ है, ठीक है। यू कैन एक्चुअली ऑफिशियली राइट दिस, 99% चीजों में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द अपोजिट, द अदर थिंग जो कि उसमें मिसिंग है। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर तुम्हें मास से नंबर निकालना है तो मुझे सोच के बताओ, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे? किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, वो तो खैर तुम्हें सोचना ही है। बट अगर तुम्हें मास से नंबर निकालना है, मास से नंबर निकालना है, यू हैव टू फाइंड नंबर, तो हाउ विल यू फाइंड इट? डिवाइड। डिवाइड, एक्सप्रेशन क्या होगा बताओ? एक्सप्रेशन होगा टोटल मास, मास ऑफ एन एटम बाय एटॉमिक मास, डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। और अगर मुझे नंबर से मास निकालना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, तो वो एक्सप्रेशन क्या होगा, नंबर इनटू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, नंबर इनटू एटॉमिक मास। तो इन एनी केस तुम्हें बताओ क्या चीज चाहिए, दैट इज फॉर श्योर, हमें क्या चीज चाहिए बताओ? एटॉमिक मास तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एटॉमिक मास इज द कन्वर्जन फैक्टर। एटॉमिक मास जो है, ठीक है, मस्ट बी नोन, एटॉमिक मास मस्ट बी नोन। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा, ये लिख लो जरा ऑफिशियली अपनी कॉपी में कि हम क्या करने वाले हैं। लास्ट क्लास की स्लाइड शेयर नहीं हो पाई बच्चों, क्योंकि वो इंटरनेट फ्लक्चुएशन से स्लाइड सेव नहीं हो पाई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग्स शायद तुम्हें मिली होंगी लास्ट क्लास की। रिकॉर्डिंग शायद ग्रुप पे डाल दी होगी लास्ट क्लास की। यस सर। ठीक है, अच्छा, उससे उससे पहले का रिकॉर्डिंग जो है वो शायद ग्रुप पे नहीं डाल पाए थे हम लोग, तो उससे मैं तुमसे बस पूछ रहा हूं, लास्ट के लास्ट क्लास के नोट्स चाहिए? ओके, हाँ, लास्ट के लास्ट क्लास के नोट्स जो हैं मैं सेंड करवाता हूं तुम्हें आज। लेकिन वो तो बहुत ही बेसिक था ना, उसमें तो हमने मोल स्टार्ट ही किया था हमने, वो इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा। हाँ, अभी तुम मुझे, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी क्लास के बाद में मैं सब कुछ सेंड करता हूँ। कुछ भी मिसिंग मिलता है तुम्हें, लगता है कि नहीं मिला है तुम्हें, तो तुम मुझे मुझे डायरेक्टली कॉल करो कि सर वो चीज चाहिए।
हाँ मैं भेजता हूँ भेजता हूँ भेजता हूँ, वो नोट्स भी भेजता हूँ। यस AK003, यस PDF ऑफ मोल, यस ओके। तो और एक चीज जो लास्ट लास्ट में देखी थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो वो ये है रजत, रजत हो ना तुम यहां पे? हाँ सर। ओके देखो, तो वो चीज ये है कि अब मैं तुम्हें कैसा सवाल देता हूं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे सॉल्व करोगे। ये भी लास्ट क्लास में देखा था हमने कि सपोज मैंने तुम्हें एक छोटा सा सैंपल दिया, ठीक है, जो क्योंकि सपोज हमारे पास में क्या बोला जाए 56 AMU ऑफ नाइट्रोजन है, 56 AMU ऑफ नाइट्रोजन के अंदर मुझे नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। एक मिनट रुक जाओ, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। ठीक है, तो सपोज तुमसे 56 AMU ऑफ नाइट्रोजन है, ऑफ नाइट्रोजन है, तो उसपे तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, और मेरे पास में, ठीक है, 56 और मेरे पास में 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, और इसमें मुझे नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो हाँ सही बात है। तो देखो दोनों को सॉल्व करने का तरीका जो है, तो मुझे पहले फर्स्ट वाले में बताओ, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, बताओ? डिवाइड करना। अच्छा, हाँ बस हाँ divide. देखो रजत ध्यान से देखना, इसका भी मुझे करना डिवाइड ही है और इसका भी मुझे करना डिवाइड ही है, ये बात तो हमें दोनों में क्लियर होनी चाहिए कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि करना डिवाइड ही है दोनों में। लेकिन अच्छा, दोनों में काउंटिंग के तरीके में डिफरेंस हम चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं, तो क्योंकि मेरे पास यहाँ एएमयू में है मेरे पास सैंपल, ठीक है, तो बताओ ये जो है मेरे पास सैंपल स्मॉल है या लार्ज है? ये मेरे पास सैंपल कैसा है? स्मॉल है। तो क्योंकि मेरे पास में स्मॉल, देखो क्योंकि मेरे पास स्मॉल सैंपल है, तो स्मॉल सैंपल का मतलब ये है कि इसके अंदर, ठीक है, डायरेक्ट काउंटिंग जो है, डायरेक्ट काउंटिंग ऑफ एटम्स जो है वो इजियर रहेगा, इट विल बी इजियर, डायरेक्ट काउंटिंग ऑफ एटम्स इज इजियर, वो इजियर रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं इसमें नंबर ऑफ एटम्स को, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को लिखते जाना भाई, ये चीज जिसको थोड़ा लास्ट क्लास का कम समझा है वो तो कंफर्म लिख लेना, जिसे समझ गया है वो इतना थ्योरी मत लिखना, बट ये दो सवाल साइड बाय साइड कॉपी कर लेना। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे, हो जाएगा 56 AMU डिवाइडेड बाय क्या, 14 AMU, दैट इज इक्वल टू 4 एटम्स हो जाएंगे। और हमारे पास में दूसरे तरफ जो है वो सैंपल एक्चुअली इतना ज्यादा बड़ा है, दैट इज लाइक, ठीक है, रियल स्केल पे सैंपल है और ये उसके अंदर के एटम्स हैं, एटम्स इसके अंदर इतने सारे होंगे कि तुम नंबर ऑफ एटम्स से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इट इज एक्चुअली परफेक्टली फाइन, बट इसका इजियर तरीका ये है कि तुम एटम्स में काउंटिंग ना करो, ठीक है, इजियर इज काउंटिंग इन मोल्स, ओके, ठीक है। तो सैंपल कैसा है बताओ हमारे पास में, लार्ज की स्मॉल, 56 ग्राम है, इसलिए हमारे पास लार्ज सैंपल है, तो हमें बस ये जज करना है कि सैंपल बड़ा है कि छोटा है, तो क्योंकि सैंपल इज लार्ज तो इजियर काउंटिंग इज इन मोल्स। तो जब तुम मोल्स काउंट करोगे तो देखो तुम्हारा आंसर पता है यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, अगर तुम्हें काउंट करने हैं तो वो क्या होगा, वो होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये कॉमन सेंस की बात है, सुनो, कि अगर तुम इस टोटल मास को सोचो, अगर तुम इस टोटल मास को, ठीक है, इससे डिवाइड करोगे, ये जो है हमारे पास में एक, ठीक है, एक एटम का मास, तो मुझे क्या मिलेगा, ये एक एटम कितनी बार रिपीट होता है ये मिलेगा, तो इससे मेरे को डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं। लेकिन अगर तुम टोटल मास को, अगर तुम टोटल मास को इस वन मोल के बंडल के मास से डिवाइड करोगे इससे, तो तुम्हें क्या मिलेगा,
कि ये बंडल्स इसके अंदर कितनी बार होते हैं, तुम्हें ये मिलेगा। हाँ सर, किसमें ये सैंपल जल्दी फिनिश हो जाएगा? बंडल्स में ना, बंडल्स में सैंपल जल्दी फिनिश हो जाएगा। ये लॉजिक रजत समझ में आया क्या? हाँ सर। अच्छा, तो टोटल मास बाय मोलर मास, इसलिए हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इसके अंदर चेंज हो जाता है। 56 ग्राम डिवाइडेड बाय 14 ग्राम पर मोल, दैट इज इक्वल टू 4 मोल्स आंसर आ जाता है। तो एक जनरल फॉर्मूला आज से देखो हमें क्या याद रखना है, वो हमें ये याद रखना है कि आज से किसी भी तरह का नंबर तुम्हें निकालना हो तो तुम इसमें क्या करोगे बताओ? टोटल मास, देखो टोटल मास अपॉन यूनिट मास, यूनिट मास। अब अगर ये यूनिट, देखो अगर ये यूनिट एटम्स है, ठीक है, एटॉमिक मास हुआ, एटॉमिक मास हुआ, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ एटम्स आएगा। और अगर ये यूनिट तुम्हारे पास मोल्स है तो तुम्हारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आएगा। इतनी सी बात हमें समझनी है। ये चीज भी कॉपी कर लो, एक मिनट दे रहा हूं भाई मैं। सर तो मतलब ग्राम में हो तो सैंपल बड़ा है और एएमयू में हो तो सैंपल छोटा। अब हाँ, 99% केसेस में तो मैं यही बोलूंगा कि स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए दे दे कुछ, ठीक है, तो मैं अभी केसेस बताता हूँ कि तुम्हें कैसे तुम्हें फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक है सर। हाँ, अगर अब इसी चीज को तुम आगे क्या कर सकते हो बता? तुम अगर चाहो तो इसको, अगर एक्चुअल एटम्स चाहिए तुम इसको चेंज कर सकते हो 4Na, 4 × 6.02 × 23 करके। लेकिन लेकिन ठीक है, हमें हमें एक्चुअल नंबर निकालना इससे ज्यादा कन्वीनियंट है बजाय इससे निकालने के। नंबर ऑफ एटम्स जो है ये तो एक्चुअली स्लोअर प्रोसेस है। इवन इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट एक्चुअल नंबर, देन ऑल्सो यू शुड फर्स्ट कैलकुलेट मोल्स, देन यू शुड गो फॉर एक्चुअल नंबर। सबने लिखा? यस सर, यस सर। मेरे को एक डाउट है कि 6.022 × 10⁻², अ नंबर ऑफ एटम्स हम लोग बोल रहे हैं, बट एटम्स लाइक होल नंबर्स नहीं होते हैं, इंटीजर्स में। नहीं तो ये इंटीजर ही है खुशी, खुशी ये इंटीजर है। 6.022 पॉइंट में क्यों लेते हैं? नहीं वो पॉइंट में नहीं है खुशी, ध्यान से देखो, सुनो खुशी, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरा वेट नहीं, मेरा वेट नहीं, मेरी जो एज है बताओ वो इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा? इंटीजर होगा, इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा बताओ मेरी एज? इंटीजर। फ्रैक्शन कौन बोल रहा है नलायक यार, ठीक है, मेरा एज कोई ना कोई इंटीजर होगा ना। तो अच्छा फ्रैक्शन हो सकता है ना, अगर मेरे जेब में जो पैसे हैं वो इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा खुशी? खुशी से बात करने दो एक बार। इंटीजर होगा। नाउ व्हाट इफ आई स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, कि मेरे जेब में 1.60572 × 10⁻¹ रुपीज है। तुम बोलो, तुम समझ नहीं रही ना कि सर ये आपके पास कैसे हो सकता है? अरे इसको तो देखो। अच्छा, वो फ्रैक्शन थोड़ी है सर, बहुत अमीर है, बहुत बड़ा है। हाँ सही बात है, बहुत पैसा कमाया लॉकडाउन में मैंने। वो सब ठीक है सर, बट जेब बहुत ज्यादा बड़ा है। जीतू भैया कौन है? लिख लिया भैया, छाप लिया? यस 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 सर, यस सर। तो देखो, इसलिए इसलिए अब जो है काउंटिंग के सवाल कैसे आते हैं, देखो तो काउंटिंग के सवाल जो है वो हमारे पास में कुछ ऐसा एक और एक बस मैं तुम्हें लास्ट पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। आई नो हम थ्योरी सुनते सुनते बोर हो गए हैं, ठीक है, बट मुझे मुझे क्या है कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने पे, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि मोल जो है, ठीक है, इज वाई इज मोल सच ए ब्यूटिफुल नंबर?
ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वाई इज मोल सो स्पेशल, ऐसा उसके अंदर क्या स्पेशल है कि अगर मैं हीलियम 2-4 का 1 मोल एटम्स लू तो इसका वेट जो है ये 4 ग्राम बन जाता है, और अगर मैं सोडियम 11-23 का 1 मोल लू तो इसका वेट जो है वो 23 ग्राम बन जाता है, मतलब ऐसा ऐसा थोड़ा क्या स्पेशल है, क्यों पलक ऐसा मैं देखने में लगता है क्या कि ऐसा क्या है मोल में कि हर बार ऊपर का नंबर ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है 1 मोल लेने से? पलक पलक हो क्या? ओके शायद नहीं है, चलो खैर, तो एनी विच वेज अगर 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 मैं इसको देखो ऐसे समझाऊं तो मुझे बताना तुम्हें वो चीज क्लियर हुई क्या, कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैंने हीलियम का एटम लिया तो हीलियम के एटम के अंदर क्या है बताओ, 2 तो उसके अंदर प्रोटॉन है और 2 उसके अंदर न्यूट्रॉन है, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं देखो उनका कोई खास रोल नहीं है। ऐसे मैंने सपोज 1 मोल मैंने हीलियम के एटम्स लिए, तो अगर मैं ऐसे 1 मोल हीलियम के एटम्स लेता हूं तो मुझे हर एक के अंदर क्या मिलेगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इग्नोर कर दो, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, एंड सो ऑन, और ऐसे करते करते मुझे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये सपोज 1 मोल है। अच्छा इमेजिन करो कि मैंने क्या किया, मैंने मैंने इन सब में से एक एक जो है बताओ प्रोटॉन प्लग कर लिया, ठीक है, आई एक्चुअली डिटैच्ड 1 प्रोटॉन फ्रॉम ईच ऑफ देम, हर एक से मैंने प्रोटॉन प्लग कर लिया, एंड ये एक्चुअली यहां पे इसमें से प्लग कर लिया यहां पे, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड इसमें से प्लग करके एक और इसमें से प्लग करके एक रख लिया, तो मेरे पास बताओ कितने प्रोटॉन्स अगर हर एक से प्लग करूंगा तो बन जाएंगे मेरे पास में 1 मोल प्रोटॉन्स बन जाएंगे। अब बताओ मुझे इन 1 मोल प्रोटॉन्स का वेट कितना है, बताओ मुझे अगर इन 1 मोल प्रोटॉन्स का वेट निकालना है तो वो कितना होगा, 1 प्रोटॉन का वेट है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम इंटू कितने प्रोटॉन्स है बताओ, 6.02 × 10⁻²³ हमारे पास प्रोटॉन्स है, तो बताओ इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है बच्चों बताओ? अरे क्या बात कर रहे हो, 9.99 कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, इसका तो आंसर 1 है ना, इसी के तो इनवर्स से हमने वो निकाला है, इसी के तो इनवर्स से हमने निकाला है लास्ट क्लास में, भूल गए क्या? इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 ग्राम होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो जब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जब देखो इनका जो मल्टीप्लिकेशन 1 ग्राम होता है तो मुझे बताओ कि जब एक एक मैंने प्रोटॉन इसमें से अलग कर लिया तो डू यू एग्री कि अब इसके अंदर देखो इसके अंदर एक जो है कम हो गया, इसके अंदर एक कम हो गया, ठीक है, इसके अंदर एक कम हो गया, एंड सो ऑन, सब में एक एक कम हो गया, तो मैं वापस से अगर ऐसा जो है, ठीक है, हरकत करूंगा कि मैं फिर से इसके अंदर से सपोज एक एक न्यूट्रॉन निकाल के उसको अलग करूं, ठीक है, तो मेरे पास में फिर से एक न्यूट्रॉन्स का बंडल बन जाएगा, फिर से बताओ इसका वेट कितना होगा, 1 ग्राम होगा। तो ऐसे बताओ मैं कितने बंडल जैसे बना सकता हूं, इफ आई कीप ऑन कलेक्टिंग 1, 1, 1, एक, तो मैं ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे 4 बंडल्स देखो बना सकता हूँ, ऐसे 4 बंडल्स बना सकता हूँ, ठीक है, जिसमें 2 बंडल्स किसके होंगे बताओ, सिर्फ प्रोटॉन्स के, ठीक है, और 2 बंडल्स किसके होंगे बताओ, सिर्फ न्यूट्रॉन्स के, एंड सो ऑन। तो इन चारों का हर एक बंडल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम का बंडल बनता जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम का बंडल बनता जाएगा, एंड टोटल वेट मेरे पास 4 ग्राम निकल के आएगा। ये बात समझ में आती है क्या बताओ? सर ये नहीं समझा। नहीं समझा, अच्छा, आपने 1 मोल के फिर भी 4 क्यों निकाले प्रोटॉन्स, 4 ग्राम तो सिर्फ 1 हीलियम का मास होगा ना, फिर आपने 4 हीलियम क्यों लिया? नहीं, एक मिनट, सब चीजें मिक्स कर रहे हो तुम। 4 ग्राम 1 हीलियम का मास नहीं है, ठीक है, पहली बात, 4 ग्राम 1 मोल ऑफ हीलियम का मास है। ओके, ठीक है, मिक्स क्यों करते हो, जब तुम 4 ग्राम बोलते हो तुम्हारे मन में नहीं आता कि 4 ग्राम इज अ वेरी हैवी थिंग, हम ऐसे कैसे 4 ग्राम बोल रहे हैं? आता है। तो पहले ये बात समझो कि 4 ग्राम 1 हीलियम एटम का मास थोड़ी है, 4 ग्राम तो 1 मोल का मास है ना। तो मैं देखो, मैं ये थॉट एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करता हूँ। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स लिए, ये जो
नंबर है ये बताओ कितना नंबर है, 6.02 into 10 raised to power 23 नंबर ऑफ एटम्स हैं। ओके सोचो, ठीक है, तो अब बताओ हर हर एटम के अंदर मेरे पास में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? सर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो हर एक के अंदर दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो मैंने 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 क्या किया, पहली बार में मैंने सारे एटम्स में से, ऐसा सोचो, जस्ट इमेजिन, मैंने इसमें से सारे एटम्स में से एक एक जो है प्रोटॉन निकाल लिया। हाँ ठीक है, तो मेरे पास में अब बताओ कितने एटम्स हैं मेरे पास में, वन मोल, तो मेरे पास में कितने प्रोटॉन्स बन जाएंगे अगर मैं सब में से एक एक निकालूंगा तो? सर फिर तो 6.02 × 10⁻³ प्रोटॉन्स बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख दिया। और बताओ अब लास्ट क्लास से तुम्हें याद होना चाहिए कि एक प्रोटॉन का वेट कितना होता है, 1 ग्राम बाई 1.66 × 10⁻³ स्पेशल नंबर क्यों है, क्योंकि एक्चुअली वन मोल ऑफ प्रोटॉन्स या वन मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स का कलेक्शन जो है वो 1 ग्राम आ जाता है। तो अब बताओ मुझे कि जब हीलियम के अंदर टोटल 4 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं, तो अगर मैं एक एक का बंडल बनाऊंगा तो 4 बंडल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ सर बनेंगे। तो टोटल वेट तो उसका 4 ग्राम निकल के आएगा ना? यस सर, समझ गया। अच्छा समझ गए। अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर मैंने इसकी जगह सोडियम ले लिया 1123, तो बताओ इसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स कितने हैं? Na प्लस, तो सर एक मिनट, 23 ना, 11 और 12 प्रोटॉन्स। सुनो हाँ, तो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स कितने हैं बताओ इसमें, 23 है कि नहीं है? यस सर। तो अब अगर मैं ऐसे बंडल्स सोडियम के लिए बनाऊंगा तो मैं कितनी बार ये बंडल्स बना सकता हूँ जब तक पूरा न्यूक्लियस खत्म ना हो जाए? 23 बार बना सकता हूँ ना? हाँ सर। और हर बंडल का वेट अभी भी कितना आएगा? 1 ग्राम और 23 टोटल। तो 23 ग्राम इसका 1 मोल का वेट होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा। तो इसके इस तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कोई भी एटम लोगे सपोज यहाँ पे, ठीक है, N714, तो तुम जब इसके बंडल्स बनाओगे वैसे, तो हर बार ये ऊपर का नंबर जो है 14 बंडल्स रेडी होंगे, और हर एक का वेट अगर 1 ग्राम होगा तो 14 ग्राम उसका 1 मोल का वेट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। ये समझ में आया क्या, 1 मोल क्यों स्पेशल है इतना, वो हर बार ऊपर के नंबर को क्यों ग्राम में कन्वर्ट कर देता है? हाँ सर समझ गया मैं, थैंक यू। तो ठीक है चलो, इतने सुनो, इतने नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट एक थॉट एक्सपेरिमेंट है ऐसा, ठीक है, बस तुम्हें याद रखने की जरूरत है। तो मैं तुम्हें पहला सवाल दे रहा हूं बच्चों, सुनो, एंड यू हैव टू आंसर मी वन बाय वन, ठीक है। 77 लोग थे, ये 74 क्यों हो गए मुझे पता नहीं है, ठीक है, हाँ 74 से कम गिरा मेरे पूछने के डर से अगर तुम भागे क्लास छोड़ के, ठीक है, तो पीछे भाग के काट खाऊंगा तुमको। तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड मी, ठीक है, टाइप करके या माइक ऑन करके रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, बाद में मत बोलना कि सर मैं माइक खराब था, कीबोर्ड खराब था, सर मुझे पैरालिसिस हो गया था, मेरा हाथ खराब है, मुंह खराब है, कुछ मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए भाई, देख लेना यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले फाइंड नंबर ऑफ, अच्छा क्या बोल रहे थे, रुको, हम इसकी शेयरिंग चेंज कर देते हैं। सर हाँ बोलो, एक बार पिछले सारे स्लाइड्स दिखा देंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। अच्छा नहीं तो फिर उड़ ना जाए पिछली बार। हाँ हाँ यार सही बात है, सही बात है। अरे एक और कोई तो छोड़ के गया, एक और छोड़ के गया ना कोई, एक और सर नेक्स्ट स्लाइड।
ले लिया सर, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड कुछ है ही नहीं, बस इतना है फिर ठीक है। हाँ। हमने जो लिखा था अभी वो एक्चुअली ये लिखा था यार, वो आई विल नॉट सजेस्ट के ठीक है, वो तुम एक्चुअली उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं ये वाला, तो ये तुम नोट करने की जरूरत नहीं है सर, तुम्हारे सोचने के लिए है। ओके सर ठीक है, खैर चलो तो तो तुम्हें तुम्हें जो है आज मैं ये पीडीएफ दूंगा ठीक है, बाय द टाइम बीइंग एक बार जरा हाँ एक बार जरा आइस आइस फोर से हम लोग जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ मैं भेजूंगा भेजूंगा, हाँ मैं भेजूंगा, एक 003 भेजूंगा मैं भेजूंगा। हाँ तो आइस फोर से अगर शुरू करते हैं सॉल्व करना, तो मुझे दो चीजें बतानी है ठीक है, कि सैंपल सैंपल लार्ज है या स्मॉल है, और डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे दो चीजें बतानी है। मैं लिख रहा हूँ देखो सुनो, और तुम्हें अपनी कॉपी में ये चीज ठीक है लिखनी है। सुनो गाइज, यू हैव टू राइट दिस प्रॉब्लम इन योर नोट्स। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें ये लिखना है, फिर तुम्हें नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है। कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो नोट्स कॉपी जब तुम रिवाइज करोगे आज से 3 महीने बाद में, तो तुम्हें नहीं याद रहेगा कि तुम्हें यहाँ के बाद में मोबाइल पे जाके पीडीएफ चेक करना है और उसके बाद तुम्हें वापस नोट्स में आना है, मैनेज नहीं कर पाओगे ठीक है। तो हाँ सबसे पहले ऑब्वियसली, और दो चीजें, स्मॉल सैंपल ठीक है, स्मॉल सैंपल एंड डिवाइड, बस ये इतना सा आप तुम्हें हिंट लिखना है और फिर आंसर लिखना है। नंबर कितना हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 7 एटम्स। हाँ ध्यान है मेरा 7 एटम्स। हाँ भाई नेक्स्ट वाला जो है सैंपल लार्ज है, सैंपल जो है वो लार्ज है और हमें डिवाइड करना है ठीक है, और हमें डिवाइड करना है, तो नंबर इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 28 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम पर मोल, दैट इज इक्वल टू 7 मोल्स हो जाएगा ठीक है। हाँ भाई रजत। हाँ सर। हाँ मुझे बताओ, जैसे तुम्हें अभी आइस आइस 5 के अंदर, पहले इतना कॉपी कर लो रजत जरा कॉपी में नोट्स में अपने। सर दोनों आइस 5 है, दो आइस 5 है, दो आइस 5 हैं। अरे ठीक है नंबर चेंज कर लो सर। हाँ बोलो सर, पहले में 7NA करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा 7NA? 7NA करने की जरूरत नहीं है, सुनो सुनो सुनो, वो एक बार ध्यान रखो, नंबर ऑफ एटम्स का मतलब 7 मोल्स इज परफेक्टली फाइन, मोल्स काउंटिंग का यूनिट है ना। तुम्हारे घर पे ऐसा नहीं होता ना कि तुमको जो है बोला कितने केले हैं और तुमने जैसे ही 2 dozen जवाब दिया तो एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग यू स्लैपिंग यू कि तेरे को केले पूछा था तो दो डजन क्यों बताए तुमने, सबको पता है ना डजन 12 होता है, तो ये चीज बिल्कुल सही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो एवोगाड्रो नंबर बाकी के कर देते सर। क्या चीज एवोगाड्रो सर? कॉपर का मास हाफ कैसे होगा, 63.5 कैसे हो गया? हाँ आते आते सब पे आते हैं हम लोग, रुको एक बार एक एक करके एक एक करके। हाँ भाई लिख लिया रजत? यस सर लिख लिया। अच्छा तो मुझे बताओ 6 वाले में नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करना है, डिवाइड की मल्टीप्लाई? सर डिवाइड डिवाइड। उसको बोलने दो, बाकी लोग चुप रहो भाई प्लीज। सर लार्ज सैंपल डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा तो मुझे फर्स्ट वाला बताओ लार्ज है कि स्मॉल है? 12 ग्राम C2 लार्ज है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ इसका? सर 1 मोल। अरे सही तो है 1 मोल, गुड। डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है, सुनो रजत किससे डिवाइड करना है? मोलर मास।
हाँ वो इसके ऊपर के नंबर से डिसाइड होगा ना. हाँ सर. हाँ सेकंड वाले में बताओ सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है. सर लार्ज है. लार्ज है बिल्कुल सही. आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर 2 मोल. 2 मोल बस. अरे पलक कहाँ है? पलक नहीं हो क्या तुम? कहाँ है सर? मैं हूँ. अरे तुमने फर्स्ट टाइम ऐसे मुझे इग्नोर कर दिया. थर्ड वाला बताओ पलक. 64 ग्राम ऑक्सीजन. सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है? सर लार्ज है. लार्ज है ठीक है. हाँ आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो मैंने 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 ये सवाल जो दिया ना पलक, इसमें देखो ये चीज मिसिंग है. ऊपर देखो पलक, यहाँ देखो, देखो ये चीज मिसिंग है. तो ये चीज तुम्हें अपने आप सोचनी है. ये चीज तुम्हें अपने आप सोचनी है. तो ऑक्सीजन, सुनो पलक मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं. देखो ऑक्सीजन के नीचे क्या नंबर आता है बताओ? नीचे क्या नंबर आता है? वो नंबर, ये नंबर देखो गैस करना इजी है ठीक है. बिगनर्स के लिए ये नंबर गैस करना ऊपर वाला मुश्किल है. और कुछ नहीं समझ में आया पलक तो मैं तुम्हें अभी एटलीस्ट इस क्लास में नहीं डांटूंगा. तुम अगर बोल दो कि सर मैं तो सो गई थी अब तो मैंने कुछ नहीं सुना. नहीं ऐसा मत बोलना प्लीज पलक ठीक है. चलो सारे हो गए सर. अच्छा ठीक है रुको ना यार एक बार इनको सबको आराम से करने दो ना. अच्छा तुम ऑल नहीं कर पा रही हो माइक अपना. अच्छा ठीक है टाइप करके दोगी मुझे आंसर क्या? बस मुझे एक आंसर बता दो पलक तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा. नहीं. हाँ भाई पलक ने फिर इग्नोर कर दिया मुझे. चैतल यू देयर भाई? चैतल बच्चे. yes. अच्छा सर मैंने भेजा जवाब. अच्छा मेरे को इतनी भीड़ में जवाब ही नहीं मिला पलक. ये पता नहीं क्या टाइप कर रहे हैं सब जो है. चैटिंग खेल रहे हैं. 4 आंसर है. ओके थैंक यू. 4 64 डिवाइडेड बाय 16 करना है. 4 मोल्स आंसर है ठीक है. 4 मोल्स आंसर है. हाँ हाँ सही है चैतल. 4 मोल्स आंसर है. अच्छा 64 ग्राम ऑफ सल्फर. हाँ भाई चैतल. चैतल कैसा सैंपल है? लार्ज की स्मॉल? लार्ज है. लार्ज है और क्या आंसर हो जाएगा? 2 मोल्स हो जाएगा. गुड 2 मोल्स हो जाएगा. और 52 AMU ऑफ हीलियम. ब्राह्मिन तुम हो क्या भाई? हाँ सर स्मॉल है. स्मॉल है. अरे वाह क्या बात है. क्या आंसर हो जाएगा? 13 एटम्स. 13 एटम्स हो जाएगा. सही बात है. 13 एटम्स हो जाएगा. 52 ग्राम ऑफ हीलियम. मनीष सर लार्ज है. अच्छा मनीष है क्या? मनीष नहीं है. अच्छा ठीक है. हाँ भाई एक सेकंड मेरा माइक. अच्छा हाँ हाँ मनीष बोलो भाई बोलो. सर कौन सा वाला? ये वाला 6 वाला. 52 ग्राम ऑफ हीलियम. बैठ के डेली होमवर्क चेक करता हूँ तुम्हारा. नाम तो याद होंगे ही बे. सर रैंडम रोल नंबर कॉल करो. रैंडम रोल नंबर? तुम्हें खुद ही अपने रोल नंबर याद नहीं होंगे. तुम लोग सब रिटार्ड डिसलेक्सिक. सर याद है. नहीं सर याद है. सर रोल नंबर का मतलब भी बता दे सर. मतलब भी बता सर. अरे सर वी कॉल. 52 ग्राम. मनीष माइक ऑन होगा क्या तुम्हारा? हो गया मुझे. दक्ष दक्ष नहीं दिशा. आई एम सॉरी दिशा हो क्या तुम? दिशा जाड़िया लॉस्ट. चलो ठीक है. सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है? लार्ज है. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 13 मोल्स. 52 केजी ऑफ हीलियम. सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है? लार्ज. ऑब्वियसली लार्ज है. अब आंसर क्या हो जाएगा? 13,000 मोल्स. ठीक है. हाँ रितिका. रितिका क्या जवाब? नहीं राधिका. यस सर.
13 by 1000 mole. सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है? लार्ज. हाँ, मिलीग्राम छोटा समझ के उसको इग्नोर मत कर देना. हाँ, दिस इज एक्चुअली 13 by 1000 moles, 0.013 moles. सुनो, इसको एक और नया नाम लिखना, ठीक है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 13 millimoles. जैसे मिलीमीटर होता है वैसे मिली भी इसको वर्ड यूज करते हैं, 13 millimoles. इतना जल्दी से कॉपी करो सब लोग. सर सिर्फ आंसर या पूरे क्वेश्चन भी? पूरे क्वेश्चन भी. अरे क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगेगा भाई? सवाल ही क्या है जो लिखने के लिए? हाँ, i7 पे आना है जल्दी से तुम्हें. हाँ मनीष, क्या हुआ? माइक नहीं काम कर रहा तो चैटिंग पे बताओ ना फिर. माइक नहीं काम कर रहा तो चैटिंग पे आंसर बता दो मुझे बस. माइक अभी क्यों खराब हो गया? देखो देखो. हाँ ठीक है, मैं मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना. हाँ मैं सब हटा दूं? हाँ, ये लेक्चर वन है. सबने लिख लिया भाई? सर AME को अभी DA नहीं लिख सकते ना, DA बंद हो गया ना? हाँ, थोड़ा सा आउटडेटेड है. अच्छा. यू या AMU ये सब चलता है. ओ. हाँ, सब लोग i7 स्टार्ट कर दो प्लीज. सर आयरन का एटॉमिक मास 56. रामा, रामा. हाँ सर. तुम्हारा फुल नेम क्या है? रोहन रामकृष्णन. रोहन रामकृष्णन, तुम इतने फेमस कैसे हो? सर एमबीए सर थर्ड स्टैंडर्ड से. मैं ऐसे ही थोड़ा पूछ रहा हूँ कि हाउ कम people keep on suggesting your name her activity mein. I'm so excited to meet you, Rama. Dog. Sir, wo bolte na third hai, waisa hai wo. Kaisa hai? Sir, ekdam cool dude college wala. Cool dude college wala. Oh my god. तुम लोग सब मजाक उड़ा रहे हो. रामा, रामा तुम्हारी बहुत तेज रैगिंग होने वाली है कॉलेज में, पता है तुम्हें? एकदम एकदम जबरदस्त. सर भविष्य में बहुत अच्छी तरह. और ठीक है, मैं तुम्हें मिलूंगा तो बताऊंगा. चिंता मत करो, स्कूल में ही ट्रेनिंग मिल जाएगी उसको. मैं तुम्हें मिलूंगा तो बताऊंगा रामा के जो सीनियर गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं, सीनियर गर्ल्स होती हैं, बहुत बहुत जम के रैगिंग लेती है ना एकदम सब. स्टोरीज बता सर, रैगिंग हुई है? नहीं तो और क्या. मैं को वो अच्छा लगता होगा सर. किसी मुझे लगा सर आईआईटी में सर पढ़ते सर किसी सीनियर लड़की ने आपकी रैगिंग ली है क्या? हाँ, अरे सब वो रोल नंबर वाइज होता है ना. ऐसे ऐसे तुम्हारे मतलब स्लॉट्स फिक्स होते हैं. संडे को 6 से 7 वो वाला ग्रुप तुम्हारी रैगिंग लेगा. उसके बाद एक हफ्ते बाद में जो है संडे को ये वाला ग्रुप तुम्हारी रैगिंग लेगा. ठीक है सर, रामा पीट देगा सबको. रामा मुझे बहुत तेज लग रहा है रामा कि सब जो है बहुत बहुत बुरी तरह फाड़ देंगे तुमको. स्टैंड लो रामा. सर बोल रहा अगर इधर रामा कर सब एक जगह गए ना तो रामा बहुत पिटने वाला है. अच्छा मैं इसको हटा रहा हूँ भाई. देखो तो देखो गाइस, आईज टाइम स्लॉट पे भाग क्यों नहीं जा? क्या चीज? जब रैगिंग का टाइम स्लॉट होता है तो भाग क्यों नहीं? नहीं, तुम एक्चुअली भाग भी सकते ना. बताता हूँ मैं तुम्हें क्या होता है, मिलने बताता हूँ कभी डिटेल में. ऐसे नहीं होता ना. ठीक है, भाग के कहाँ जाओगे? सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो. हाँ सर. थोड़ा इन डेप्थ जान ले. नहीं, अभी इसमें बच्चे जो है वो बोरिंग है तो आप थोड़ा
अरे नहीं नहीं अरे पता नहीं ना, हमने हम इतनी बात कर रहे हैं और वहाँ पे पेरेंट जो स्टूडेंट के साथ बैठा हो तुम्हारे सोचेगा अरे क्या चल रहा है लेक्चर में इनके यार। नहीं नहीं भैया देखो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर कोई नहीं होगा सर, होमवर्क दे दो सर। चलो अरे तुम्हारे स्क्रीन के साथ तो अच्छा ठीक है। मेरे को 12th के बच्चे जो इतने सर लिल मजे 12th के बच्चे इतने नालायक हैं ठीक है। वो क्या है कि वो मुझे बोलते हैं कि सर मैं आपका लेक्चर टीवी पे लाउड स्पीकर सुन रहा था और सर आपने ऐसे बोल दिया तो सर घर में सबने सुन लिया ठीक है। दे एक्चुअली ब्लैकमेल मी कि सर आपकी ये बात सुन ली, सर आपका ये वर्ड देख लिया, मैंने नोट्स को देख लिया, सर आपने ऐसे लिखा तो मैं I6 पे आऊं उसको बोलने दो ना रामा कहाँ चला गया। बोल रामा बोल क्लियर करो रामा के बोल रामा बोल रामा चुप 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 रहो चुप रहो। रावण को हरा दे रामा साइलेंस गाइस बेचारे बच्चे तो नहीं जानते हैं रामा को, देखेंगे यार ये क्या। देखो एक नेऑन में छोड़ दिया यार, टाइम पास हो रहा था तो नहीं सर वो वापस आ जाएगा सर, डिसअपॉइंट हो गए। देखो तो कन्वर्जन फ्रॉम नंबर ऑफ एटम्स टू इट्स मास में हम लोग को सिलिकन का मास इज 28 सिलिकन का मास 28 है। सुनो हाँ जोहेब भाई क्या करना है, मल्टीप्लाई की डिवाइड मास मल्टीप्लाई करना है। तो जोहेब पहला वाला सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है? बहुत ज्यादा छोटा है। बहुत ज्यादा छोटा है तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? 36 AMU होगा। 36 AMU 3 mole ऑफ कार्बन का आंसर क्या हो जाएगा खुशी? आयरन का मास 56 है खुशी। हाँ सर। सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है सेकंड वाला? सैंपल स्मॉल लार्ज है। लार्ज है हाँ। अब जैसे तुम्हें देखो जैसे तुम्हें पिछले वाले में रजत ठीक है देखो हाँ सर हाँ जैसे तुम्हें पिछले वाले में क्या देखना था कि जनरली ग्राम मिलीग्राम या किलोग्राम वगैरह में सैंपल होता है तो वो लार्ज है, एएमयू में सैंपल होता है तो स्मॉल है। मतलब सर मोल होगा तो फिर मास मतलब ग्राम में होगा। अब यहाँ पे जनरली क्या है कि मोल्स में दिया है तो सैंपल लार्ज है और एटम्स में दिया है तो सैंपल स्मॉल है। तो ऑब्वियसली ना जब तुम मुझे एटम में दोगे और मैं तुमसे मास पूछूंगा तो तुम इसका मास ग्राम में या टन्स में नहीं बताओगे ना यार। हाँ सर वो तो तुम्हारा कॉमन सेंस है ना ठीक है। हाँ 6 और 7 सेम है। हाँ सपोज तुम्हें जो है पाव और मिठाई लेनी है ठीक है और तुम जो है उसके उसके सामने जाके बोलो कि भैया मुझे टन्स में मिठाई चाहिए 0.00001 6 तो थोड़ा नॉनसेंस हो जाएगा ना ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखो कि कॉमन सेंस है हमारा, हमें क्या यूनिट चूज करना है ठीक है। खैर तो हाँ भाई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा खुशी तुमने क्या बताया? 36 ग्राम हो जाएगा। थर्ड वाला रजत? यस सर। हाँ थर्ड वाला सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है? माइक चल रहा है। स्मॉल है सर। ओह शिट रजत देखो ट्रैप में फंस गए तुम। ओह सॉरी 10^23 है ना सर लार्ज है। हाँ अब बताओ अब जो है ऐसा तुम्हें ध्यान रखना है ना कि खाली ऐसे ही आइटम देख के थोड़ी बोल दोगे यार। सर नियर अबाउट 3 moles है सर। यस नियर अबाउट नहीं ऑलमोस्ट तुम्हें भाई ऑलमोस्ट ठीक एग्जैक्टली है तो क्या है बताओ ये 3 moles है तो फिर बताओ इसका मास किस में एक्सप्रेस करोगे ग्राम्स में कि एएमयू में? सर ग्राम्स में। आंसर क्या हो जाएगा? 36 ग्राम। समझ में आ गए रजत क्या भाई? हां सर सैंपल लिखेंगे ना। क्या चीज? लार्ज सैंपल लिखेंगे ना इसको। हां लार्ज सैंपल लिखेंगे बिल्कुल सैंपल लार्ज है। इट इज नॉट एंटायरली अबाउट द मोड ऑफ एक्सप्रेशन एटम्स और मोल्स। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा 10 एटम्स ऑफ सिलिकॉन का मास अब मैं लिख रहा हूं भाई। हाँ भाई तुम जो है बोल सकते हो इसका आंसर 280 AMU 10 एटम्स ऑफ आयरन का मास 560 AMU 10 moles of iron का मास 60 grams मोल टू 60 grams। सब लोग जल्दी से कॉपी करो भाई
सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है? Large. देखो रामा, रामा देखो यहाँ पे एकदम स्मॉल है सर, स्मॉल है, स्मॉल है, धर्म संकट वाली बात है रामा, रिलेटिवली लार्ज है सर, स्मॉल हो जाएगा राधिका, सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है? 10^6 होगा ना सर, स्मॉल है, 10^6 के भी पास नहीं है। तुम लोग बहुत शोर कर रहे हो, रुक जाओ, चलो माइक बंद कर लो। 10^23 लार्ज होगा, 10^6 हां सर लार्ज होगा। अरे 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 गाइस स्मॉल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, स्टॉप इट स्टॉप इट। अच्छा सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है, अगर हमें इसमें कंफ्यूजन है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम चाहो तो तुम इसका वेट एएमयू में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, और तुम चाहो तो इसका वेट ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तुम अपना आंसर दोनों में निकाल के रख दो तो हम दोनों से कंफर्टेबल रहते हैं ना। चलो यार, चलो मैं इसका आंसर जो है पहले एमयू में निकालता हूं। अगर मुझे इसका आंसर एमयू में निकालना है, वैसे मैं बताऊं, सुनो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, लार्ज सैंपल क्या होता है बताओ? लार्ज सैंपल वो होता है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1 मोल हो, या एटलीस्ट आधा मोल हो, 1/4 मोल हो, ऐसा कुछ नंबर हो ना। दैट मीन्स उसका जो नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, वो 10^23 के आसपास के ऑर्डर का होना चाहिए तो मैं उसे लार्ज बोलूंगा। 10^6 is actually, ठीक है, मैं उसको स्मॉल बोलना ही प्रेफर करूंगा, ठीक है, बट फिर भी अगेन इसमें कोई आर्ग्यूमेंट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर दोनों में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो अब दोनों में एक्सप्रेस करना हमारा इस सवाल का एम ये है, ठीक है, ताकि पहले तो हम लोग इस कंस्ट्रेंट से ना बंधे कि सर मैं आंसर किस में एक्सप्रेस करना था ये समझ नहीं पाया इसलिए छोड़ दिया। ऐसा नॉनसेंस लॉजिक हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो इसलिए देखो मैं यहाँ पे, तो ठीक है, मैं ना यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, ठीक है, मैं इसका पहले आंसर निकालता हूँ एएमयू में। एएमयू में आंसर क्या हो जाएगा बताओ इसका? 10^6 एटम्स मेरे पास में है, ठीक है, 1 मिलियन, 10^6 एटम्स, 32 मिलियन, इसका 32 × 10^6 एएमयू इज द आंसर, ठीक है। और अपने कॉपी में सुनो, कॉपी के अंदर तुम सबको एज इट इज लिखना, दिस इज लेट्स से फर्स्ट, ठीक है, मेथड। सेकेंड में जब ग्राम में एक्सप्रेस करना है तो उसके भी दो तरीके हैं, सुनो गाइस, उसके भी दो तरीके हैं। तो एक तो तरीका है कि तुम पहले इस नंबर को मोल्स में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा बताओ? 10^6 / 6.02 × 10^23 मेरे पास में क्या है बताओ? मोल्स है कि नहीं बताओ? जी सर। रजत समझा क्या ये? इतने मोल्स हैं, समझ गया सर। अच्छा, तो इसलिए इसका जो मास होगा वो क्या होगा? 10/6.02 × 10^23। अब ये जब इतने मोल्स हैं तो मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये कैसा नंबर है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, अपॉन, डिवाइडेड, जो भी है, मैं इसमें बस मल्टीप्लाई करने वाला हूं क्या? 32 ग्राम पर मोल। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये सबको समझ में आता है क्या? दे सॉरी, 6 तो छूट ही गया सर, एएमयू में ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। हाँ ठीक है पलक, कोई बात नहीं, ठीक है, क्या बोल रहे हो फिर से बोलो? एएमयू में ज्यादा कन्वीनियंट है ना? यस सर। हाँ तो देखो ना, एएमयू में देखो ये नंबर का मैग्नीट्यूड अभी भी बहुत छोटा है ना, यस सर, बहुत छोटा है, तो ठीक है ना, उसको एएमयू में ज्यादा कन्वीनियंट है, तो चलो ठीक है, ये चीज कॉपी करो, ठीक है। और इसके नीचे देखो एक जो है सेक्शन तुम्हें लिखना है, तो इसके नीचे क्या लिखना है? सत्वारे नोट्स में कॉपी होना चाहिए, मैं फिर तुम्हें याद दिला रहा हूं भाई, इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम मत छोड़ देना है। तो देखो इसमें एक चीज याद रखना कि अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, सुनो ठीक है, अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है एएमयू टू ग्राम एंड ग्राम टू एएमयू and gram to AMU, ठीक है, तो तुम्हें देखो दो बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। एक तो कन्वर्जन फैक्टर क्या है बताओ,
एमयू ग्राम का कन्वर्जन फैक्टर क्या है? कन्वर्जन फैक्टर क्या है एमयू ग्राम का? सर 1.66 × 10⁻²⁴ - 24 and 6.02 × 10⁻²³ बोथ दोनों कन्वर्जन फैक्टर्स हैं इसके, ये दोनों इसके कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। तो तुम इसमें वो कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। सुनो बच्चों, तुम्हें याद है ना कि अगर अगर नंबर जो है आगे का, ठीक है, अगर नंबर स्मॉल होता है तो इसके आगे का यूनिट क्या होता है बताओ? लार्ज होता है। याद है हमने ये एटॉमिक में सीखा था, नंबर स्मॉल यूनिट लार्ज इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? अगर नंबर लार्ज होगा, नंबर लार्ज होगा तो यूनिट क्या होगा फिर बताओ? स्मॉल होगा। जो लोग नए आए हैं मोल में उन्हें शायद ये नहीं शायद मालूम चले ऐसे कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं बस तुम्हें इतना से याद दिलाऊंगा, ये बहुत ही देखो कॉमन सेंस वाली चीज है कि तुम जब भी कोई कन्वर्जन करते हो, ठीक है गाइज, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू एवरीबडी, जब भी तुम कोई कन्वर्जन करते हो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ता है, तुम इसको लर्न मत करो, तुम ऐसे सोचो कि अगर मेरे पास में इतना लंबा स्केल है, ठीक है, तो मैं अगर इसको मीटर्स में मेजर करूंगा तो मेरे पास मीटर्स में नंबर छोटा आएगा, ठीक है, मीटर्स मेरे पास सपोज ये 2 meters आएगा, क्योंकि मीटर यूनिट लंबा है तो मेरे आगे इसके आगे नंबर छोटा आएगा, दो ही बार रिपीट होगा। लेकिन अगर मैं इसे सेंटीमीटर से मेजर करूंगा तो सेंटीमीटर में मेरे पास में नंबर बड़ा निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिट जो है जिसमें मैं इसको मेजर कर रहा हूं ये यूनिट स्मॉल है, तो इसलिए कितनी बार ये रिपीट करेगा, ठीक है, ये चीज जो है ये एक्चुअली बड़ी निकल के आएगी, तो मेरे पास में 200 हो सकता है सेंटीमीटर निकल के आ जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि 2 meters = 200 centimeters में, ठीक है, अगर तुमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया छोटा यूनिट तो नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है तो तुम इसमें छोटा सा कन्वर्जन अपने आप सोच सकते हो, ठीक है। तो वो क्या कन्वर्जन हो जाएगा बताओ? ठीक है, वो एक्चुअली कन्वर्जन हो जाएगा कि क्या वन, अगर मुझे ढूंढना है देखो कि 1 AMU कितना ग्राम होता है बताओ, तो मुझे बताओ ग्राम कैसा यूनिट है बताओ, बड़ा कि छोटा? इन फ्रंट ऑफ एम, हाँ लार्जर यूनिट है, तो इसके इसका मतलब इसका नंबर क्या होगा बताओ? हाँ, बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ठीक है नंबर शुड बी स्मॉल, नंबर शुड बी स्मॉल। तो अब तुम बस ये एम लेके सॉल्व करो कि नंबर छोटा कैसे होगा। तो छोटा करने के लिए बताओ, अगर मैं ये कन्वर्जन फैक्टर यूज करूंगा तो मैं क्या करूंगा बताओ? मल्टीप्लाई, ताकि नंबर छोटा रहे, 10⁻², ठीक है, इतना ग्राम होगा। और अगर मैं मोल वाला कन्वर्जन फैक्टर यूज करूंगा तो मैं छोटा करने के लिए क्या करूंगा बताओ? इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, और 1/6.02 × 10⁻²³ ग्राम, ठीक है, 1 AMU होता है, ठीक है, 1 AMU होता है। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। इसको जरा छाप लो। सर ये 6.02 वाला ये नंबर तो हम लोग एटम्स और मोल्स में ही जनरली यूज करते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नंबर तो नंबर होता है ना बच्चे। सुनो, ऐसा क्या सोच रहे हैं हम लोग वहीं पे यूज करते हैं? आफ्टर ऑल दोनों नंबर्स एक दूसरे के इनवर्स ही तो हैं। हाँ। दोनों नंबर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब तुम ऐसे कैसे पूछ सकते हो सर आपने 1/4 क्यों यूज किया, 4 क्यों नहीं यूज किया? तो इसका तो कोई वो थोड़ी है यार, नंबर तो नंबर है ना, नंबर में फीलिंग थोड़ी है। छापा क्या? यस सर। हाँ सर। तो यस सर, तो देखो कमिंग बैक टू दिस थिंग, ठीक है, हाँ मुझे बताओ कि सब लोग I7 I7 जल्दी कॉपी करो। KU030 कुशल नाम है क्या बच्चे तुम्हारा? काव्या। ओह सॉरी, काव्या। काव्या क्या पूरा नाम है? उप्रेती।
ओके काव्या, सेवन प्रॉब्लम बताओगी क्या प्लीज? या या ज़ूम कर लो ना। करने दो उसे बच्चे। काव्य आराम से बताओ। मैं जूम करूं क्या? दिख नहीं, एक मिनट रुको। हाँ सर वही। जी सर। अच्छा तो पहले बोल देते भाई। आपका दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा नहीं। सर बोला था। अरे सब दिख रहा है। इस वॉलपेपर। हम भी आप आएं। जूम कर सर। पुराना वाला विंडो सर। अरे ये लो भाई ये लो। एक मिनट रुको भाई। अभी ठीक है? जी सर। ठीक है कि नहीं? अच्छा बता दो भाई खुल के। Yes. हाँ अच्छा सर खुद भी ज़ूम इन कर सकते हैं। हाँ मतलब जिनके पास कंप्यूटर है शायद वो ना कर पाए। हाँ अब भी दिख तो रहा। हाँ हाँ काव्या कुछ कंक्लूजन आया क्या भाई? सो कर रही हूँ। अच्छा काव्या बस मैं तुम्हें एक चीज थोड़ा बस मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें तुम्हें क्या दिया है मास या नंबर बताओ मुझे। मास। अच्छा और ऑब्वियसली फिर क्या पूछेगा तुमसे बताओ? नंबर। जिन लोगों का ये सवाल हो गया है सुनो बच्चों वो जल्दी से आगे के सवाल पे मूव ऑन करते रहें एंड मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि प्लीज कॉपी प्रॉब्लम्स। तुम्हें प्रॉब्लम कॉपी करना है ठीक है? हाँ तो तुम्हें अब बताओ नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई की डिवाइड? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है काव्या। दस डिवाइड। तो फिर अब मेरे पास सुनो मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरे पास दस ग्राम जो है राइस है ठीक है और जो है मेरे पास मतलब क्या बोलूँ मैं देखो मेरे पास वन केजी राइस है 1 केजी ऑरेंजेस है समझ रहे हो और जो है मेरे पास में 1 केजी हार्ड कॉस्को बॉल्स हैं तो मेरे पास सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किस में आएंगे बताओ? हार्ड कॉस्को बॉल्स अप्रोक्सीमेटली कितनी आएंगी बताओ काव्या? 30-40। राइस 1 किलो में कितना आएगा बताओ मेरे पास में? बहुत सारा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तुम ये क्यों बोल रही हो हार्ड कॉस्को बॉल्स ज्यादा है? नहीं वो राइस में ज्यादा होगा। तो अब इतनी छोटी सी फंडामेंटल चीज में मिस्टेक क्यों हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई? तो इसका मतलब तुमने बताओ कैसे पता लगाया कि राइस क्यों ज्यादा है? राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर तुम सबका यूनिट मास देखोगी तो यूनिट मास में हमारे पास में ठीक है राइस का यूनिट मास ऑरेंज का यूनिट मास ठीक है और हार्ड कॉस्को बॉल का यूनिट मास जो है ठीक है उसमें एक्चुअली कॉस्को बॉल का यूनिट मास शायद क्या होगा बताओ ज्यादा है सबसे। तो ये सेम लॉजिक हम लोग नंबर निकालने के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना उसको समझो। मैं एक काम करता हूं मैं तीनों का नंबर निकाल लेता हूं तो बताओ सोडियम का नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ Na एटम्स कितने हैं बताओ? 10/23। हाँ 10/23 मोल्स है कि नहीं बताओ? मोल्स। हाँ अब बताओ कैल्शियम का नंबर कितना है? 10/40 मोल्स है। और आयरन का नंबर कितना है? 10/56। हाँ तो Na का सबसे ज्यादा है देन कैल्शियम का फिर आयरन। बस तो तुम्हें एक्चुअली 10 से तो मतलब ही नहीं है ना 1/23 1/40 1/56 तो x इज मोर देन y इज मोर देन z। ठीक है भाई इतना कॉपी करो। 8 अब देखो सवाल सवाल थोड़ा थोड़ा क्या होगा हल्का हल्का चेंज करता जाएगा
ठीक है, अभिन्न अभिन्न इसमें है क्या? हाँ अभिन्न एट्थ 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 का आंसर सॉल्व कर रहा हूँ। अरे आलसी एट्थ ही सॉल्व कर रहे हो ना लाया सर, आप पीडीएफ भेजोगे इसका? हाँ भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, भेजूंगा भेजूंगा बिल्कुल सर। 2:1 है, 2:1 हाँ, है। कौन बोल रहा है? मैं आर्यन। हाँ सर 2:1 सर, ये बढ़ गया। मैं काव्या, मेरा मेरा ऐसा मन था कि तुम एक सवाल अपने आप सॉल्व करके पूरा मुझे बताती तो हम लोग फ्री हो जाते हैं इस लेक्चर में। ओके। एट नाइन टेंथ सपोज अगर एट तुमसे पूछो तो मेरे जल्दी कॉपी करो काव्या। कर लिया सर। कर लिया। एट नाइन और टेन जैसे सम्स में दिक्कत आ रही है। हाँ दिक्कत आएगी थोड़ा सा, उसका लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है। सर हो गया 8, 9, 10। सुनो इनका बस लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, ये तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में डेटा पुट कर रहे हैं। गहरी सांस लो, लैंग्वेज पे ग्रिप बनाओ, उसे जो पकड़ो गर्दन से, वो बोल रहा है देखो। अच्छा सब लोग सुनो, रजत मुझे बताओ इसमें मैंने तुम्हें क्या सिखाया? मास या नंबर एक चीज देगा, दूसरी चीज पूछेगा। अब बताओ इसमें डेटा तो कोई दिया ही नहीं कहीं पे, कोई 5, 10 मास पता है? नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, आराम से आराम से सुनो। अब मुझे बताओ इसने इसने तुम्हें किस किस फिजिकल क्वांटिटी का डेटा दिया है? मास का डेटा दिया है या नंबर का डेटा दिया है, और किसका डेटा पूछा है? मास का या नंबर का? नंबर ऑफ एटम्स का दिया, नंबर दिया है, मास पूछा। एक मिनट रुको रजत, रजत हां सर, नंबर पढ़ो, दोनों सेम ही है, नंबर दोनों सेम है, ये तुम्हें डेटा दिया है कि नहीं दिया है? दिया है सर। और तुमसे क्या पूछा है बताओ? उनका रेशियो, मास का रेशियो पूछा है। लेकिन हाँ। इसमें थोड़ी सी अजीब बात यह है कि तुम्हें नंबर दिया नहीं है, बस उसके बारे में एक रिलेशन दिया है। बट आज हमारे लिए यही तो हमारे लिए गिवन डेटा हो जाएगा ना, बताओ? हाँ सर। तो वो एक्चुअली मुश्किल नहीं है, ठीक है? तुम ही बोल रहे थे क्या 8, 9, 10 में दिक्कत आ रही है? कौन बोल रहा था? हाँ सर मैंने बोला। अच्छा ठीक है, तो अब बताओ मुझे, अगर मुझे कुछ नहीं दिया रहता ना, तो हम हमेशा क्या करते हैं रजत? उसको अज्यूम करते हैं। अज्यूम करते हैं, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, बोलो क्या? लेट द नंबर ऑफ एटम्स बी एक्स। ओके, लेट लेट नंबर ऑफ एटम्स बी एक्स। अब बताओ मुझे, अब जब तुमने अज्यूम कर लिया, देखो ऐसे बिहेव करो एज इफ एक्स तुम्हें पता है, एज इफ एक्स तुम्हें पता है। तो बताओ अब जब एक्स पता है, तो अब तुम्हें नंबर पता है, तो क्या निकालोगे? ऑब्वियसली मास। तो मास ऑफ आयरन क्या हो जाएगा बताओ? वेट मास ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम। मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है मास निकालने के लिए? मल्टीप्लाई। हां बोलो क्या हो जाएगा? एक्स इनटू मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फैक्टर। हाँ सर सॉरी भूल गया था, अब याद रखूंगा। ठीक है, वो जो तुम बोल रहे हो वो तो एक प्रोटॉन का मास है भाई, उससे कहाँ जा रहे हो करने के लिए? ठीक है, मास ऑफ, तो मास ऑफ सिलिकॉन क्या हो जाएगा बोलो? सर सिलिकॉन का याद नहीं, 28 प्लीज कोई कोई और जिसका नाम नहीं लिया हो यार, मुझे नाम याद। मनीष, मनीष हाँ, अरे हाँ प्लीज मनीष, हाँ फाइनली बोलो। हाँ सर, 16 × 10^16 AMU होगा, और ग्राम का एक्सप्रेशन, मतलब ग्राम निकाल रहा है एक्सप्रेशन। नहीं नहीं एक्सप्रेशन बता दो, सुनो। हाँ सर। हाँ सर, ग्राम का एक्सप्रेशन है, मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो बोलो। ठीक है, अरे मैं एकदम भूल ही गया सोनल, तुम्हें सोनल? हाँ सर। अच्छा हाँ, तुम्हारी आवाज सुनी तो याद आया। सोनल ये 9 तक समझा सोनल सब अच्छे से? सर हो गया, हो गया ना सर, 10th वाला भी कर रही हूँ। सर 10th हो गया, 10th हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया सर 10th।
यश भोसले यश भोसले है कि जिंदा है कि नहीं यश भोसले जय श्री राम अरे यश बोल दो भाई कुछ बोल दो यश सर नाइन्थ हो गया सर नाइन्थ हो गया अच्छा टेंथ वाला यश मुझे तुमसे पूछना था अगर तुम हो तो सर हाँ कॉपर का मास क्या होता है 63.5 थैंक यू अच्छा तो टेंथ में नंबर ऑफ एटम्स इन अ सैंपल ऑफ सल्फर हैविंग सेम मास एज दैट ऑफ 10 पर 10 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ओके गाइस सुनो ठीक है मेरी बात सुनो चलो हम लोग जो है मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं तुम्हें तो कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना हाँ बेस्ट क्वेश्चन इज 13th बिल्कुल सही बात है भाई ठीक है सबने जो है सबने 13 में कॉपर का मास यूज कर लिया ना किसी को चाहिए तो पूछ लेना भाई तो मेरे पास पीरियोडिक टेबल है या तो आप बोल सकते हैं अच्छा ठीक है पीरियोडिक टेबल है सर अरे लो 63.5 कॉपर का मास है आराम से निकाल लो फिर हम आते हैं तो देखो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो देखो 10th प्रॉब्लम देखो भाई सब लोग और सब लोग इसे एज इट इज कॉपी कर लेना भाई ठीक है देखो 10th प्रॉब्लम क्या है भाई 10th प्रॉब्लम इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ सैंपल ऑफ सल्फर जिसको थोड़ी सी दिक्कत होती है ठीक है काव्या देखो एक बार इसे कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ सैंपल ऑफ सल्फर मुझसे पूछा है ठीक है ध्यान से फोकस करो इस बात पे मुझसे पूछा है तो तुम ये सवाल कॉपी करके इसके पास में लिखो दैट मीन्स मास ऑफ सल्फर क्या होना चाहिए बताओ मास ऑफ सल्फर मस्ट बी गिवन बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना यस सर तो अच्छा अब देखो इसमें आगे देखो इसमें तुम्हें मास दिया है कि सल्फर का हाँ तो अब ये जो देखो ये जो लैंग्वेज है ना सेम मास ये उसके मास देने का तरीका है तो मैं अब क्या है ऑक्सीजन को मैं ब्लैक से अंडरलाइन करता हूं तो ये मास किसके मास के बराबर है बताओ देखो मेरा ब्लैक और ब्लू देखो ये मास बराबर है 10^10 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन तो इसका मतलब सवाल पता है कैसे बना है तुम्हें उसने ऑक्सीजन का 10^10 ठीक है नंबर दिया नंबर ऑफ ऑक्सीजन इससे तुम क्या निकालोगे बताओ बोलो इससे तुम क्या निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स नहीं मोल्स क्यों निकालूंगा हां मास नंबर ऑफ एटम्स मास अरे नहीं मास मास ऑफ ऑक्सीजन निकालूंगा ना अरे नंबर तो मुझे दिया ही हुआ है नंबर को नंबर में चेंज करके क्यों टाइम पास करना है हमें नंबर अच्छा अब इस बताओ मास ऑफ ऑक्सीजन से मैं किस पे जाऊंगा बताओ नंबर ऑफ एटम्स नहीं 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 मास ऑफ ऑक्सीजन से मैं जाऊंगा मास ऑफ सल्फर पे ठीक है और फिर मास ऑफ सल्फर से मैं किस पे जाऊंगा बताओ नंबर ऑफ सल्फर पे तो ऐसे सोचो एज इफ तुम ये फ्लो चार्ट फॉलो कर रहे हो सुनो जो लोग ठीक है रजत ये फ्लो चार्ट बना लेना वहां पे हाँ सर अच्छा अब बताओ मुझे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ बताओ सर 16 × 10^10 16 × 10^10 अच्छा मैं इसमें यूनिट्स क्या लूं तो जो भी मुझे कन्वीनियंट है वो यूनिट लूंगा मैं अभी यूनिट्स इसमें एएमयू ले लूंगा बिकॉज़ मुझे लास्ट में सुनो मुझे लास्ट में ये बताना है नंबर ऑफ सल्फर मैं जो भी यूनिट लूंगा वो बाद में कैंसिल होने वाला है तो बताओ मुझे अब जो है मुझे बताओ कि मास ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा बताओ वो सेम हो जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा 16 × 10^10 हो जाएगा बोलो सही है तो इसलिए नंबर ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा बताओ 16 × 10^10 अपॉन 32 हो जाएगा अपॉन क्या होगा 32 हो जाएगा तो ये 16/2 हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा 5 × 10^9 1/2 × 10^10 नाउ थिंक देखो इतना सारा सॉल्यूशन लिख के एक बार सोचो क्या इस सवाल में इतने बड़े कैलकुलेशन के अलावा हम एक बार में आंसर लिख सकते थे क्या इसका हाँ हम लिख सकते थे ठीक है हम लोग एक्चुअली लिख सकते थे पता है हम कैसे लिख सकते थे देखो हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि ऑक्सीजन और सल्फर का मास सेम है दो चीजों का मास सेम है देखो लेकिन लेकिन सल्फर का साइज डबल होता है किसका हाँ। बजाय बताओ किसके बजाय डबल होता है बताओ ऑक्सीजन अगर उनका मास सेम है तो जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास इसमें होंगे ठीक है बताओ मुझे कॉमन सेंस की बात है ना कि उसके आधे सल्फर होंगे कि नहीं होंगे यार सल्फर उसके आधे होंगे कि नहीं होंगे तभी तो इनका मास सेम आएगा
बोलो क्लियर है क्या? यस सर। ओके तो फिर से बता दो ना अपने अभी क्या बताया सर। सर मैंने भी हाँ मैंने भी ये बताया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 512 into 10 to the power 6 AMU है क्या? 512 into 10 to the power 6 AMU 10th का आंसर हो सकता है 10 to the power 10 नहीं 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 सुनो सुनो 5 into 10 to the power 9 5 into 10 to the power 9 है या half into 10 to the power 10 1/2 into 10 to the power 10 है 0.5 into 10 हां तुम तो पावर कहीं पे कुछ कंफ्यूज हो गए तुम सर 11 का आंसर 23/20 है 11 का आंसर 23/20 है। इसको डेसिमल सर 13 का आंसर है क्या? क्या चीज सर 13 का आंसर सर 23/20 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बस 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 सुनो गाइस सुनो मैं बस 13 प्रॉब्लम यहां पे एक और डिस्कस कर रहा हूं बाकी मैं तीनों चारों सवाल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। 13 प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहा हूं हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर आर देयर इन 0.5 मोल ऑफ प्योर कॉपर। एक बार जरा मुझे फिर से बताओ काव्या काव्या मुझे तो बताओ कि इसमें तुम्हें क्या दिया है मास की नंबर मास क्या दिया है मोल्स दिए ना मास तो मोल्स क्या होता है मास या नंबर मास ओह माय गॉड चार आलू उसका मास है क्या नंबर नंबर कैसे कैसे मिस्टेक कर देते हो शायद तुम्हारा ध्यान इस बात पे है काव्या कि वो तुमसे क्या पूछ रहा है बताओ मास या नंबर नंबर और तुम्हें क्या दिया है मास या नंबर नंबर ओह माय गॉड ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है फिर से एक बार रिपीट कर दो मतलब तुमसे तुम मुझे ये पूछना चाह रही हो तुम मुझे ये बता रही हो कि उसने नंबर देके नंबर पूछा है नहीं नंबर देके मास पूछा है मास पूछा है हाउ मेनी एटम्स मास है नहीं काव्या ये सवाल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ना हां बिल्कुल एडवांस लेवल का सवाल है सवाल बहुत टफ है ये सवाल तुमसे हां सर हां सर और ट्रिकी है सर केवीपी है सर ट्रिकी है हर किसी के अरे केवीपी वाले हार्ड नहीं है ये एडवांस अच्छा अच्छा सुनो सुनो उसके एटम्स का इसका आंसर जो है सुनो 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 0 to 10 to 23/2 रहना चाहिए हां बिल्कुल बिल्कुल अगर देखो अगर मैं इसका आंसर ठीक है कॉपर ताके अगर मैं हार्ड कैसे एक मिनट शांत हो जाओ गाइस अगर मैं इसका आंसर कॉपर हटा के ठीक है मैं यहाँ पे अगर केले भी लिख दूंगा अभी भी उतना ही है तो भी उतना ही रहेगा नंबर देके नंबर पूछ रहा है तो इसका आंसर 0.5 into 6.02 into 10^23 है तो मैं नंबर को नंबर कन्वर्ट करने में एटॉमिक मास ऑफ कॉपर की कोई जरूरत नहीं है समझे क्या सब लोग जितने भी लोग इसे मल्टीप्लाई कर रहे थे और वापस डिवाइड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो लोग अगर परेशान हैं तो बता दूं इसका आंसर ये है सर बट ये डायरेक्ट है काफी यही किया था सर एक सेकंड में समझ में आता सर सर पर ये तो बहुत इजी यही किया था 3.01 मतलब 0.5 मोल्स का सुनो सर ये तो मजाक कर रहा था अरे सार्कैसम समझते हो क्या भाई सार्कैसम समझो सब लोग हां मैं आई वाज जस्ट जोकिंग गाइस ठीक है चलो तो 13 हो गया हम बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं और मैं तुम्हें ये वाला पीडीएफ सेंड कर रहा हूं ठीक है तुमको मैं डाउट क्लास और सब कुछ है ग्रुप पे अनाउंस करता हूं और जस्ट अ सेकंड और मैं ये नोट्स सर मास को डेसिमल में कन्वर्ट करना है क्या जैसे 23/20 आया था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है सर एटॉमिक क्लास होगी कि इसकी मोल की क्या चीज क्या बोल रहे हो एटॉमिक की डाउट क्लास होगी कि आज की मोल नहीं 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 एटॉमिक की डाउट क्लास होगी आज की डाउट क्लास नहीं होगी सर 13 सम नहीं समझा 13 सम नहीं समझा कोई बात नहीं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे बस डाउट लेक्चर कब होगा मैं तुम्हें ग्रुप पे अनाउंस करता हूं शाम में 7 to 8 या 8 to 9 ऐसे कुछ रखता हूँ सर मोल का पीडीएफ होमवर्क है क्या कुछ मोल का पीडीएफ सुनो मोल का पीडीएफ रिकॉर्डिंग तुम्हें तो कोई अपलोड कर देगा और लास्ट क्लास के नोट भेजता हूं उसमें हम लोग वो अवस्थी वाला हम लोग डाउट पूछ सकते हैं उसके हां पूछ सकते सर हां सर अब क्या एग्जाम शाम को होगी कि सुबह होगी नहीं नहीं सुबह होगी मॉर्निंग में
सर सुबह मत रखो सर, शाम को रखिए ना सर। सर शाम को रखिए, शाम को नहीं चलता है सर। सर अवस्थी भी सॉल्व हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अवस्थी सॉल्व हो गया सर। अवस्थी हो गया सर। कितने सुबह संस्कार सर, शाम को सर, सुबह रखो सर, बाद में फिर सुबह चलेगा सर। तुम्हारे हिसाब से एग्जाम नहीं होगा, रात को तुम्हें 12 बजे एग्जाम चाहिए तो वो सब नहीं चलेगा। सर 5 बजे, 5 बजे सर प्लीज। अच्छा ठीक है, हम लोग 12 बजे तक रखने की कोशिश करता हूँ। अरे सर ठीक है, शाम को सर, शाम को।